मैं डॉक्टर विवेक जांगीर नर्सरी बराड़ा से। आज हम आए हैं सेदरिया नीमच जिला मध्य प्रदेश में। लगभग 100 दिन के पपीता ताइवान रेड लेडी की 786 का बगीचा हो गया है। इसमें फ्लावर व फ्रूट सेटिंग के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले बगीचे का हम हिस्ट्री लेते हैं, क्या स्थिति, कितने प्लांट कितनी दूरी पर लगे हैं। मुकेश जी राठौर जी का खेत है, इन्हीं से जानते हैं। हाँ मुकेश भैया, क्या स्थिति, कितने पौधे लगाए थे आपने? नमस्कार सर, मेरा नाम मुकेश राठौर है। मैं गांव सेदरिया तहसील नीमच जिला नीमच का निवासी हूँ। मैंने 20 मार्च को लगभग पौधे लगाए थे। 20 मार्च को प्लांटेशन किया था और लगभग 1000 प्लांट मैंने लगाए हैं। और दूरी 7x7 पे दूरी रखी है, 7x7 की दूरी ली थी आपने। और ड्रिप से हम इसका ड्रिप से सिंचाई करें। पानी की कमी होने के कारण मुकेश जी भैया ने ड्रिप लाइन से सिंचाई की थी। अच्छा, अभी क्या स्थिति, कहीं वायरस वगैरह कुछ देखने को तो नहीं मिला? एकाध कहीं है, बाकी कोई वायरस नहीं है। पूरे बगीचे में अच्छे फ्लावर की सेटिंग की प्रक्रिया चल रही है। इसी बारे में अपन आगे जानेंगे, किन चीजों का ध्यान दे ताकि और अच्छे से हो। 1000 प्लांट थे, 7x7 की दूरी पे 20 मार्च को लगाए थे। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि जिसकी शक्ति है, कृषि जिसकी भक्ति है, कृषि जिसकी निद्रा है, कृषि जिसका जागरण है। आप देख सकते हैं सेदरिया दादाजी ने पूरी गर्मी में मेहनत करके इस बगीचे को ड्रिप से व अपनी मेहनत से इस स्थिति में लाया है। लगभग 100 दिन के प्लांट हो गए हैं और फ्लावर सेटिंग की प्रक्रिया चल रही है। और अगर इस स्थिति में अगर फ्लावर ड्रॉप हो जाए तो किसान भाइयों को बहुत नुकसान होता है, तो इसलिए फ्लावर ड्रॉप नहीं हो उसी सिलसिले में हम चर्चा करेंगे, किन बातों का ध्यान दिया जाए व क्या सावधानियां रखी जाए ताकि हमारा बगीचा अच्छे से फ्लावर और फ्रूट सेटिंग की प्रक्रिया आए। किसान भाइयों, फ्लावर सेटिंग की प्रक्रिया के लिए हमें पौधा लगाने से पहले, पौधा लगाते समय व फ्लावरिंग आते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, उन्हीं को आज हम जानेंगे। सबसे पहले नंबर पर आता है प्लांट। हाइब्रिड जनरेशन का F1 प्लांट होना चाहिए। अच्छे उत्पादन व बीमारियों से लड़ने की क्षमता के लिए सबसे पहले प्लांट अच्छा हाइब्रिड होना चाहिए, ताकि उत्पादन अच्छा हो, बीमारियों से लड़ने की क्षमता व एक समान फ्लावर व फ्रूट सेटिंग हो यूनिफॉर्म रूप से। जिस प्रकार आप देख रहे हैं प्लांट में यूनिफॉर्म रूप से सेटिंग के लिए हाइब्रिड प्लांट होना चाहिए। फिर सेकंड नंबर आता है तापमान और आर्द्रता। किसान भाइयों, तापमान 20 से 33 डिग्री 20-33 डिग्री के बीच में तापमान रहना चाहिए और आर्द्रता 70-85%। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम बगीचा ऐसे समय पर लगाए ताकि जब हमारा फ्लावर और फ्रूट सेटिंग की प्रक्रिया हो तो टेम्परेचर 20 से 33 के अप्रोक्स रहे। तो आप समय का चयन करें इसके लिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, ताकि मानसून में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आए। ये देख सकते हैं आप, मानसून का समय है, बारिश स्टार्ट हो गई है और फ्लावरिंग चल रही है। तो प्राकृतिक चीज़ों के साथ हमें एडजस्ट करना होगा, हमारा बगीचा लगाने का समय चयन करना होगा। देख सकते हैं आर्द्रता का रोल भी है इसमें, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी तो फंगल डिसीज होगी, वह कम रहेगी और तापमान बढ़ेगा तो कीट ज़्यादा आकर्षित होंगे और कीटों की संख्या बढ़ेगी, रस चूसक कीट होगी। इसलिए लगाने का समय चयन किया। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है बीज की दूरी सही रहेगी तो प्रकाश की मात्रा सही होगी। फोटो पीरियड बगीचे के लिए, फ्लावरिंग के लिए असेंशियल है। फोटो पीरियड के आधार पर 3 प्रकार के प्लांट होते हैं, लॉन्ग डे, शॉर्ट डे और न्यूट्रल डे। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको दिन में ज़्यादा मात्रा में प्रकाश चाहिए, दिन बड़ा होना चाहिए। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको दिन छोटा होना चाहिए, जैसे स्ट्रॉबेरी। कुछ है न्यूट्रल, जिनकी दिन की प्रकाश की अवधि से कोई संबंध नहीं है, जैसे अमृत पपाया, लेकिन प्रकाश की आवश्यकता तो है फोटोसिंथेसिस के लिए व फ्लावर और फ्रूट बनने के लिए प्रकाश की रिक्वायरमेंट है। इसलिए दूरी का इसमें रोल है। आप दूरी लगाते समय
6x8, 8x8 रो रखिए और 6x6 प्लांट लगाइए ताकि प्रकाश समुचित पौधों को मिल सके। चौथे नंबर पर नमी। नमी से तात्पर्य है पानी। जिस प्रकार यहाँ पे आप देख रहे हैं पानी की अत्यधिक कमी थी, तो दादाजी ने ड्रिप लाइन से बगीचा किया है। अगर हम 1000-1500 तक प्लांट लगा रहे हैं तो सिंचाई के लिए फ्लड इरिगेशन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब जैसे महाराष्ट्र में 10000-15000 इस प्रकार से पौधे लगते हैं तो वहाँ फ्लड इरिगेशन संभव नहीं है, तो आप ड्रिप से लगाइए बगीचा। अगर प्लांट 1000-1500 से ज़्यादा है तो ड्रिप लाइन से लगाइए, और 1000-1500 प्लांट लगा रहे हैं, छोटा बगीचा है, तो आप बिना ड्रिप के भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं बगीचा ड्रिप लाइन से था। ये नमी सही रहेगी, पोलिनेशन सही होगा, फर्टिलाइजेशन सही होगा, फ्लावर सही बनेंगे, फ्रूट सेटिंग की प्रक्रिया सही होगी, फलों में एक समानता रहेगी, वह सही आकार में बनेंगे। इसलिए नमी का अहम रोल है, नमी बरकरार रखनी होगी हमें। साथ ही यह भी ध्यान देना होगा कि जब बारिश हो तो पानी खेत से बाहर निकले, रुके नहीं। अगर पानी रुकता है तो जड़ सड़न होगी, तो भी आपके फ्लावर ड्रॉप होंगे। तो ध्यान रखें, न तो पानी की कमी हो न ज़्यादा अधिकता हो। पांचवें नंबर पर जो अभी हमको ध्यान देने योग्य मुख्य बात है, पोषण। पोषण में किन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि बगीचे में अच्छे से फ्लावर व फ्रूट सेटिंग हो। किसान भाइयों, पोषण के लिए जब आप बगीचा लगा रहे हैं तो बगीचा लगाने से पहले ही प्रति एकड़ 4 ट्रॉली आपको देसी खाद डालना है, क्योंकि जब फ्लावर आएंगे अगर उसी समय न्यूट्रिशन देंगे तो काम नहीं चलेगा। तो आप पहले से ध्यान देना होगा व शेड्यूल से थोड़ी थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम व माइक्रो न्यूट्रिएंट देते रहे, और जब फ्लावरिंग होने लग जाए तो उस समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे फ्लावरिंग की प्रक्रिया चल रही है, फ्लावरिंग के समय नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करना है, जैसे यूरिया। अगर नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे हम यूरिया वगैरह, तो हमारे फ्लावर ड्रॉप हो जाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन वेजिटेटिव ग्रोथ कराएगा, हाइट लेगा पौधा, और जो फूल आए हुए हैं, फ्लावर हैं, बड्स है, वो ड्रॉप हो जाएंगे। तो ध्यान रखें, नाइट्रोजन का प्रयोग फ्लावरिंग के समय नहीं करें। हमें जो चीज़ें यूज़ करना है उसमें फास्फोरस का प्रयोग करें, संतुलित मात्रा में पोटेशियम, साथ ही में न्यूट्रिशन में, सेकेंडरी न्यूट्रिशन में कैल्शियम, मैग्नीशियम सल्फर, मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग करें। मैग्नीशियम सल्फर दोनों मिल जाएगा, और कैल्शियम नाइट्रेट के रूप में हम दे सकते हैं। हल्की मात्रा में नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करना है। साथ ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में बोरोन, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए बोरोन का प्रयोग करें, जिससे फ्लावर व फ्रूट ज़्यादा मात्रा में आएंगे। ये देख सकते हैं भैया ने बोरोन का स्प्रे लिया था, साथ ही कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट शेड्यूल से दे रहे हैं, वह भी वर्तमान में नाइट्रोजन को कम करके फास्फोरस पोटेशियम का प्रयोग किया इन्होंने। मैग्नीशियम भी रिक्वायरमेंट रहती है इसकी, मैग्नीशियम से क्लोरोफिल के निर्माण में मैग्नीशियम का यूज़ होता है, पौधा हरा भरा बना रहता है, इसलिए मैग्नीशियम का भी प्रयोग करना है। न्यूट्रिशन के बाद नंबर आता है हमारा पेस्ट एंड डिसीज कंट्रोल। पेस्ट एंड डिसीज कंट्रोल में हमें कीटों का नियंत्रण रखना होगा व साथ ही बीमारियों का नियंत्रण, कीटों के नियंत्रण के लिए इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना है। ये देख सकते हैं जैसे जो फ्लावर बड आए हुए हैं, इन बड्स में क्या होता है, थ्रिप्स जो बहुत छोटे रहते हैं, घर में नग्न आंखों से नहीं देखा नहीं जा सकता है, उन इंसेक्ट की वजह से भी फ्लावर ड्रॉप होंगे। तो उनको कंट्रोल करने के लिए मैं इंसेक्टिसाइड, स्पाइनोसेट जैसे बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड का हम प्रयोग कर सकते हैं। उससे ये होगा, बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड स्पाइनोसेट का प्रयोग करते समय ध्यान रखें फुहारा बिल्कुल बारीक होना चाहिए, वह बर्ड्स व फ्लावर के ऊपर गिरना चाहिए।
साथ ही इंसेक्टिसाइड में हम एसिटामिप्रिट, इमिडाक्लोप्रिट, थायमेथोक्सम, डाइमिथोइड आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं केमिकली। ये देख सकते हैं आप, कीटों के नियंत्रण से एक फायदा रहेगा, वायरल डिसीज का भी कंट्रोल रहता है। वायरल डिसीज के वाहक इंसेक्ट ही होते हैं, लिप कर्ल वायरस हुआ, सेकंड रिंग स्पॉट मोजेक वायरस हुआ। इस बगीचे में कुछ प्लांट थे जो हमने रिमूव करवाए, लगभग 4-5 पौधों में लिप कर्ल की शिकायत थी, वह स्प्रे करवाया। लिप कर्ल वायरस वाइट फ्लाई से फैलता है और रिंग स्पॉट वायरस एफिड से, एफिड्स और वाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए हमें इंसेक्टिसाइड का भी प्रयोग करना होगा। फिर आता है नंबर बीमारियों का, डिसीज की वजह से भी फ्लावर व फ्रूट ड्रॉप होते हैं, फंगल डिसीज, बैक्टीरियल डिसीज व वायरल डिसीज। वायरल डिसीज का हम अगले वीडियो में पूरा इसका अलग सेशन रखेंगे, यहाँ पे फंगल और बैक्टीरियल डिसीज पे हम चर्चा करते हैं। फंगल डिसीज फाइटोप्थोरा हुआ, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, इनको कंट्रोल करने के लिए फंगिसाइड का स्प्रे कीजिए, साथ ही एंटीबायोटिक का प्रयोग कीजिए, कासुगामाइसिन, ये देख सकते हैं, प्लांटोमाइसिन का भी प्रयोग कर सकते हैं आप। तीनों का शेड्यूल बना के, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, एंटीबायोटिक, एक ही टंकी में एक निश्चित डोज के साथ आप हर 15 दिन में स्प्रे कीजिए, ताकि बीमारियों का नियंत्रण रहे। बीमारियां कंट्रोल में रहेगी तो हमारे फ्लावर व फ्रूट ड्रॉप नहीं होंगे। देख सकते हैं शानदार फ्लावर प्रक्रिया चल गई है। इस समय सावधानी, थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो ये पूरे फ्लावर सेट हो जाएंगे, वो फलों का निर्माण होगा। और सबसे आखिरी में हम जानेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर PGR, जिनका और अच्छे से फ्लावर आए, फ्रूट सेटिंग हो, हार्मोन का प्रयोग हमें करना होगा। भैया से ही जानेंगे क्या क्या चीजें मंगाई थी और वो क्या लेके आए हैं। आपने बायोविटा, हाँ, प्लानोफिक्स और बायोविटा, बिल्कुल दोनों ले आए हैं, दोनों आप लेके आए, स्प्रे होगा इन पे। किसान भाइयों, हार्मोन मुख्यतः 5 हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक, एब्सेसिक एसिड और इथाइलिन। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक, इनका सेल डिवीजन, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, फ्लावर ड्रॉप नहीं हो, इसमें अहम रोल रहता है, तो हमें इनका प्रयोग करना होगा। जैसे भैया अभी लेके आए प्लानोफिक्स, जो ऑक्सिन का सिंथेटिक डेरिवेटिव है, ऑक्सिन से बना हुआ प्लानोफिक्स, 3.5 ml प्रति 15 लीटर टंकी में प्रयोग करेंगे ये। साथ ही बायोविटा या सागरिका सीविड एक्सट्रेट, जिसमें 60 से ज़्यादा न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, प्रोटीन, एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक एसिड, सभी नेचुरली। समुद्री शैवाल एस्कोफाइलम नोडोसा से वो हमें प्राप्त होंगे, जिसका भी प्रयोग हमें स्प्रे व जमीन से करना है। ये देख सकते हैं, ये स्प्रे लेंगे, दो स्प्रे 15-20 दिन के अंतराल में, प्लानोफिक्स 3.5 ml व बायोविटा या सागरिका 40 ml प्रति टंकी, दो स्प्रे लेंगे। साथ ही हर 12 दिन में फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, एंटीबायोटिक का जो शेड्यूल चल रहा है उसको ये जारी रखें।